अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप लोग? रखे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो बाकी बातें बाद में, पहले आपको सुनाएंगे सस्ती शायरी। अब सस्ती शायरी से पहले जो लाइक कर देगा वो भाई उसके लिए गीली गीली जुम्मी, जो बाद में करेगा तो भाई शुक्रिया, आप भी मतलब लेट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं बाबा जी, बट कर देना लाइक बटन, ठोक देना, दबा देना, कुछ भी करना, बस वो प्रेस हो जाना चाहिए। तो अर्ज किया है, लड़कियां कानों में पहनती हैं बालियां, वाह 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 वाह। आपको पता, 5 बार वाह वाह करेंगे तो मेरे साथ मिलके कीजिएगा कि लड़कियां कानों में पहनती हैं बालियां, वाह 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 वाह। जब हम नहीं करते काम तो अम्मियां देती हैं हमें गालियां। सुस्ती शायरी विद द नॉनी मस्त बाबा जी। ओके, अब बच्चे मेरी उम्र के और बुजुर्ग जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, बहनों भाइयों रिश्तेदारों मेरे प्यारों, तो सबके सब जिसको कभी भी अगर मम्मी से गालियाँ पड़ी है ना, तो भाई फिर हैशटैग नहीं कुछ और कमेंट करना पड़ेगा। यस ओके, सिर्फ यस कमेंट कर दो अगर आपको कभी भी अपनी मम्मी से गाली पड़ी है। तो मुझे तो पड़ी है भाई, मैं तो फिर यस बोल रहा हूँ आपके सामने, अगर आपको पड़ी तो आप भी यस बोल देना। अच्छा गाइस, अब सीन कुछ ऐसे है कि काफ़ी टाइम तक कोई मिशन नहीं दिया गया था कालिया को। तो अब कालिया के पास बहुत बड़ा मिशन आ रहा था, उसका बॉस जो है ना, उसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल मिशन देने वाला था। उससे पहले उसका बॉस चाहता था कि वो जो है ना कुछ टेस्ट पास करे और अपना जो स्किल्स है वो दिखाए। तो 3 लोग जा रहे थे कालिया के साथ हमेशा, और समटाइम उससे ड्रोन से या कैमरों से नज़र रखी जा रही थी कि कालिया कैसी परफॉर्मेंस देता है, और ये कालिया का प्रैक्टिस सेशन था। लेकिन इतने दिन प्रैक्टिस ना करने की वजह से, इतने दिन गन से और अपने मिशन से दूर रहने की वजह से कालिया जो है वो काफ़ी अब उसका गेम काफ़ी ख़राब हो चुका था। कालिया जो है वो काफ़ी ट्रेनिंग ना करने की वजह से, काफ़ी एक्सरसाइज नहीं करते, तो क्या कहते हैं उसको, बस जो भी कहते हैं, हाँ कालिया एकदम ना बकवास हो गया था, ये कह सकते हैं। तो फिर अब कालिया का बॉस गुस्सा कर रहा था और कालिया के साथ ना बड़े बड़े सीन हो रहे थे, तो कालिया भी यहाँ पे लैंड हुआ। और कालिया ने ना थोड़ा सा वो क्रीम व्रीम लगाई हुई ताकि कोई पहचान ना सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कालिया कितना गंदा खेल रहा था, लेकिन गंदा तो नहीं खेला था, बट प्रैक्टिस ना करने की वजह से कालिया की बैंड बजी हुई थी और पिस्टल उठाई आगे जा रहा है, आप देखना जरा। ये कालिया की बैंड बज गई और कालिया का जो सर है ना, वो उससे इतना गुस्सा था कि नौकरी से निकालने वाला था कालिया को भाई, मतलब उससे जो उसके सारी पोस्ट वगैरह हैं, मेडल्स वगैरह, वो सब वापस लेने वाला था। कालिया का बार बार टेस्ट हो रहा था और कालिया बार बार मर रहा था। कालिया का बार बार टेस्ट हो रहा था और कालिया जो है वो बार बार मर रहा था। तो कालिया को समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए, बेचारा बहुत सैड था, बहुत दुखी था। और ये देखो फिर गया और फिर अब टैप टैप होके वो देखो मम्मा हीर था खब्बी सैर से कैसे घर के पास से मारा, अल्लाह करे तेरा पाँव फिसले और तू गोबर में गिर जाए। फिर एक और बार कालिया का टेस्ट हुआ और कालिया उसमें भी जो वो ऐसे करके मर गया, इतनी जल्दी बैरल से मार दिया इसने, मैं तो समझ नहीं आई। अब फिर एक और बार कालिया का टेस्ट हुआ, उसमें कालिया पास होते होते ये देखो खड़ा हो गया और कालिया फिर से मर गया। अब फिर बहुत ज़्यादा बार चांस मिल चुका था कालिया को, कालिया के पास ने कहा तेरा लास्ट चांस है, रैंडम लोगों को भेजा कालिया के साथ देखने के लिए। और कालिया को एक और टास्क दिया गया कि अपने ना जितने भी टीममेट्स हैं इनमें से एक ना एक को जिंदा ज़रूर रखना है, अपनी जान भी बचानी है, साथ में चारों में से ना एक को लाजमी ज़िंदा रखना है, अगर ये सब मर गए तो कालिया जो ना वो नौकरी से निकाल दिया जाएगा और फिर आप कालिया को कभी नहीं देख पाएंगे। वो देखो गाइस ऊपर मम में हीर दे, उन्होंने पैराशूट खोल लिया, हवा में उड़ रहे हैं। तो कालिया जो ना वो काफ़ी फंस चुका है, अब मुश्किल में आ चुका है, पैराशूट खोला और कालिया जब वो लाहौर में लैंड कर रहा है। देखी जाएगी बाबा जी, कालिया कह रहा था जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़क अच्छे के लिए होगा। अब एक बंदा तो है वो जो नॉक एंड फिनिश हो चुका है, तो कालिया के लिए मुसीबतों के पहाड़ खड़े हो रहे हैं। अब गुस्से में कालिया भाई हमारे भाग रहे हैं, गोरी शक्ल लेके जाके मारते हैं जिसने हमारे नंबर 4 को मारा। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पे बंदा नजर आता है, और ये बेचारा जिगजैग करके ऊपर भाग रहा है, सिटी में रियल है। फाइनली यहाँ पे इसको नॉक कर दिया और काफी बार इसको गोलियां मारी, तब जाके बंदा जो है मारता है। अब आगे की तरफ ब्रश करता हूँ मैं कि देखी जाएगी बाबा जी, सामने और बंदे नजर आ रहे हैं, वो पानी की साइड बॉट वाट मारने गए हैं, तो इसलिए ना मैंने यहाँ पे स्प्रे करने का ट्राई किया, लेकिन नहीं, अब पानी की साइड गए हैं तो मैंने फैसले किया भाई जाकर रश करता हूँ और वहीं पे डाउन कर दूंगा उनको। स्कार है, ज़्यादा एमओ भी नहीं है मेरे पास, और मैं फिर यहाँ पे गलती की नॉक वाले को, सॉरी ये जो बैठा था बंदा, इसको भी मैंने स्कार से मारा, थोड़ा सा आगे बढ़ा। बॉट तो मैं उसको मारना नहीं चाहता था कि एमओ वेस्ट होगी, और बॉट को भी फिलहाल छोड़ दिया जाए, शायद हमारी हेल्प कर दे,
सामने रियल आया, ये बेचारा गन पीछे रख के भाग रहा था बॉट की तरफ, उसको मैंने डाउन किया, फिर मैंने बॉट को भी मारा क्योंकि मैं डैमेज दे रहा था। इतनी देर में बाबा जी हमारे साथ कोई ये सीन होता है, सिटी से बंदा आ जाएगा और पता नहीं उसकी रीरोड लग गई है क्या, बट अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी बच गई, वरना काले की नौकरी चली जाती और काले को अब लास्ट बार देखते तो पानी में जम कर दिया ज़िंदगी बचाने के लिए, और काले का दिल ना से धक 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 कर रहा था। अच्छा ये टैलेंट है आपके पास मुझे बताओ ज़रा, करके दिखाओ अगर कर सकते हो, घोड़ा भगाओ अपनी ज़ुबान से। फजर का टाइम है, अज़ान हो रही है, मैं जल्दी से वॉइस ओवर करता हूँ फिर नमाज़ पढ़ूंगा। गैस आप लोग भी कोशिश किया करो कि नमाज़ कायम करो यार, सुकून आ जाता है ज़िंदगी में, बता रहा हूँ मैं। फर्स्ट एड वगैरह लगाया हेल्थ पूरी की, और उसके बाद बावर जी अब काली जो है रेडी है सिटी वाले बंदों पर रश करने के लिए। उससे पहले हमें यहाँ पर थोड़ी लूट मिल गई, सिक्स एक्स मिल गया, टिक्का मिल गया बम पे लगाने के लिए, और स्कोप वगैरह स्मोक वगैरह मिल गया, लेवल 3 का बैग मिल गया लूट करने के लिए ज़्यादा सारी। आगे की तरफ रश करना स्टार्ट किया बाबा जी, मैंने देखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा, टेंशन नहीं लेनी बाबा जी। बढ़ रहे हैं आगे अपनी स्कारल लेके, शॉटगन लेके, लेकिन शॉटगन जो मुझे चलानी नहीं है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा एमो नहीं है स्कारल में, और मैंने 7 की एमो भी उठा रखी है, तो मुझे यहाँ पर मिल जाती है M7, तो मैं M7 उठा लूँगा शॉटगन की जगह। मैं पहले यहाँ से होके गया, मैं भी मेरी आंखें नहीं बटन है और मुझे जो है वो नज़र नहीं आई। अच्छा मुझे बताओ किसी फैमिली मेम्बर ने कभी आपको ऐसे बोला कि आंखें नहीं बटन है, तो भी यस कमेंट कर दो। अभी ऊपर बंदा नजर आता है वहीं पे बैठा था, तो उसको मैंने टैप टैप मारा, एक ही बुलेट लगी, वो पीछे हो गया, 2-3 बुलेट मैंने और मारी वो वेस्ट हो गई। अब मैंने फैसले किया क्रेन के ऊपर जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा एंगल खेला हुआ कि क्रेन के ऊपर जाके पहाड़ का पूरा एंगल मिलता है आपको। तो मैं ऊपर आ गया यहाँ पे और वो मामा हिरदा मुझे साफ नज़र आ गया। बाबा जी हमने तो आपको देखा ही नहीं। तो यहाँ पे भाई को हमने डाउन किया, और डाउन करने के बाद अब मैंने फैसले किया कि आगे रश करता हूँ, लेकिन मैं देख रहा था उसको कोई और टीममेट हो तो मैं देख मतलब डाउन करूँ, मुझे लगा यहाँ पे सांप बना हुआ है, बट यहाँ पे कोई भी नहीं था, वो बुश था। उसके बाद बाबा जी हमने गन पीछे रखी और हमने दुड़की लगाई, शॉर्टकट शॉर्टकट लेके नीचे उतरना, देखो आहा हा ये उतरे शॉर्टकट लेके नीचे और ये जंप की और ये आ गए हम फटाफट से बिना हेल्थ जाए के नीचे। और वो बंदा रिवाइव देने आया था, तो यहाँ पे मैंने उसको भी डाउन किया, गोलियां मारा था उसको समझ नहीं लगी। अब मैं इनकी लूट करूंगा, और एक बंदा जितना बेचारा बहुत ही सादा देख रहा कैसे मारेगा, लेकिन बस बच गया मैं, मुझे नहीं पता वो बॉट था या नहीं, मुझे लग रहा था कि बॉट है, रियल भी हो सकता है, अभी यहाँ पे लूट कर रहा था। और गैस लूट करो तो मूव करते रहो और भागने की तैयार में रहो कि कहीं से गोलियाँ पड़ती, स्मोक नहीं करो तो मतलब स्मोक करो तो फिर भी आप प्रोन हो के जो वो लूट करो। अचानक से गोलियाँ पड़ी और मैं यहाँ पे आ गया, अब ये मेरा टीममेट ना इतना किल चुराएंगे मेरे, अब ये आरबी भैया ने चुराए, और अब देखना गिनती करो बस कितने किल चोरी होते हैं मेरे। अब फिर यहाँ पे मैंने अपना बदला लिया, देखो गैस आगे जा रहा हूँ, टीममेट की बात सुनना क्या बोलता है ये। ये मेरा टीममेट बोलता है वापस 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 वापस, मैं हैरान कि ये वापस वापस क्यों बोल रहा है, पीछे देखा बॉट आ रहा था, फौरन से घुमा स्कारल निकाली और किल चोरी कर लिया, इतनी मज़ा इतना मज़ा आया ना मुझे। लेकिन एक बात बोलूँ, ये मेरे टीममेट्स थे ना ये बहुत ही अच्छे थे, लाइक रिवाइव के तौर पे, लूट के तौर पे, वो एक दूसरे से लूट मांग रहे थे और दे रहे थे। ये देखो गाड़ी लेके मुझे लेने भी आया और मैं इसके साथ चला भी गया, लाइक बहुत ही अच्छे से खेल रहे थे ना, गाली गलोच एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे, भाई आपको 7 का एमो चाहिए, दोनों आपस में बात कर रहे थे, मेरा माइक ऑफ था। यहाँ पे बंदा नजर आया, मैंने इनको डैमेज देना स्टार्ट किया, मैंने टीम की हेल्प की, लेकिन वहाँ तक पहुँचा तो उस बंदे ने मार दिया था दोनों को, जो बहुत ही अच्छी बात है। और उसके बाद मुझे नहीं पता कि वहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले तो मैंने लूट की, कालिया मदद से अपना पेट भर रहा था, और यहाँ पे ना मैंने आई गेस कोई मैसेज वगैरह देखने लग गया था मोबाइल पे, तो मैंने गेम की तरफ फोकस छोड़ दिया, इनके साथ गाड़ी में बैठ के फोकस छोड़ दिया, तो आप देखो मैं मूव ही नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ना नहीं पता था कि गाड़ी कहाँ जा रही है कहाँ नहीं, थोड़ा सा आगे जाके हमला हो जाता हम पे। अब यहाँ पे हमला हुआ और फिर मुझे आइडिया हुआ कि बंदे, और मैं यहाँ पे प्रोन हो गया। अब मैं यहाँ पे मेरे साथ ना गंदे वाला प्रैंक हो जाएगा गाइस, प्रैंक हो जाएगा। पहले मैंने ऊपर देखा पूरा का पूरा स्क्वाड एक को डाउन किया, और दूसरे ने मेरे कान के नीचे लगा के M24 से मुझे नॉक कर दिया, तो मुझे बेइज्जती हो गई मेरी। और यहाँ पे मुझे लग रहा था कि बस भाई अब बहुत ही हो गया, अब तो कालिया जो ना वो आखिरी बार देखा होगा कुछ सदियों पहले, और उसके बाद से कालिया जो है वो अपनी एनोनिमस की पब्लिक नहीं देख पाएगी। हेल्थ जा रही है, कमेंट करो यहाँ मैं मर गया था या क्या हुआ था, ये देखो मेरे 2 टीममेट नॉक है मुझे। अच्छा कमेंट करके बताओ यहाँ मैं बचूंगा नहीं, देखते हैं किसका कमेंट ठीक होता है, बच जाओगे या नहीं बचोगे ये आप कमेंट करना। जिनको लगता है बच जाओगे वो करो बच जाओगे, और जिनको लगता है नहीं बचोगे वो करो नहीं बचोगे, पर मुझे खुद लग रहा है कि मैं नहीं बचूंगा। तो आप लोग सब कमेंट करो, उनके भी 3 नॉक हैं, हमारे भी 3, हमारे 2 नॉक हैं, मतलब उनका भी एक ही जिंदा है और हमारे भी एक जिंदा, नेट वेट कर रहा है वो, मेरी हेल्थ तेज़ी से जा रही है,
कमेंट करके बताओ गाइस मैं जिंदा बचूंगा या नहीं। ज़्यादा लेट नहीं करना, चीटिंग नहीं करना, मतलब देख के नहीं, पहले ही बताना। तो अल्लाह अल्लाह करके ना मैं बस या अल्लाह पाक मुझे बचा लो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ रहा था, शेख के अंदर आके रिवाइव हो गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और मैं बच गया, जिन्होंने बच गया और कमेंट किया भाई वो उनका तुक्का बहुत अच्छा है, रिवाइव हो गया। उसके बाद ना गाइस मेरे को गुस्सा बड़ा आया कि भाई ऐसे कौन लेट के स्प्रे मार रहा हूँ, मेरे पास स्नाइपर नहीं है और मेरे कान के नीचे M24 से मारा है, ऐसे कैसे बाबा जी। हेल्थ पूरी की और फिर मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया, फिर मैंने फैसले किया कि भाई अब ब्रश करूँगा और जितना गंदा मुझे मारा अब इनको भी उतना ही गंदा मारना पड़ेगा। आगे की तरफ स्कार लेके कर दिया बाबा जी, रश जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा अच्छे के लिए होगा। आप देखो यहाँ पे आप क्या हुआ, तो बाबा जी हमने मौत कुछ हुआ और टक से वापस आ गए कालिया भैया ने। अच्छा गाइस मैं उसको नॉक वाले को फिनिश करता हूँ, उसी टाइम मुझे नजर आता है कि एक बंदा प्रोन भी हुआ है, इसको भी मारा। तो फाइनली हम इनकी लूट करेंगे, बहुत अच्छी लूट मिली थी, मजे से कर रहे थे लूट। मेरा हेलमेट से सारा डैमेज है, यहाँ पे दूसरा हेलमेट पड़ा था वही उठाऊंगा। और उसके बाद बाबा जी मजे से लूट करने के बाद यहाँ पे ना हिल पे ना रोजा के हिल पे एक अलग से स्क्वाड आ जाएगा और अपनी बैंड बच जाएगी। और मैंने यहाँ पे एक गलती की जो आप भी करते हो और मैं भी बहुत ही करता हूँ, तो ये गलती नहीं करनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ वो गलती क्या थी। देखो यहाँ पे आगे बढ़ रहा था लूट करने के लिए, गोलियाँ पड़ती हैं यहाँ पे ना, ओपन में उनको मारने लगा, वो एक से ज़्यादा बन रहे हैं। देखो ये यहाँ पे मैंने गलती कर दी बहुत बड़ी। अब फिर बस मेरे टीममेट ने अच्छा किया, हसन भैया ने कवर दे दी, उसको आम से नॉक कर दिया। और उसके बाद जब वो सारे के सारे जो रिवाइव देने के लिए पीछे भागे और हमें मौका मिल गया, मुझे मौका मिल गया सेफ जगह पे आने के लिए, तो मैंने बॉडी शॉट मारा था पिंक वाले ये बम पे लगाया था। और उसके बाद ये लोग बोल रहे थे भाई पुश करो पुश करो, तो मैंने क्या किया, भागते भागते अपने बम पे टीका लगा लिया कि हेल्थ पूरी हो जाएगी। और मज़े की बात यहाँ पे हमारा एक और टीममेट जो है वो जो है फिनिश होने वाला है। अब आप लोग कमेंट करके बताओ, देखते दोबारा से किसका तुक्का ठीक लगता है, कौन सा टीममेट जो है वो हमारा जो है वो अभी फिनिश हो जाएगा, नंबर 2 या नंबर 3, देखते किसका तुक्का ठीक लगता है। चीटिंग नहीं करनी, देख के नहीं बताना और कमेंट कर दो, देखते हैं कि तुक्का किसका ठीक होगा। बाबा जी ऊपर हम लोग जा रहे हैं, रेड पहले मैंने 6-6 लगाया, फिर मैंने रेड डॉट लगा लिया स्कारल पे। और ये पिंक की भैया को तो पहले मैंने किया नॉक, फिनिश करेंगे। और अब बाकी इनके बंदे ऊपर की तरफ हैं, पूरे 4 थे, एक को डाउन किया, ये किया मैंने दूसरे को नॉक, और बाबा जी तीसरे को नॉक करेंगे, ये हमने कर दिया तीसरे को नॉक। और यहाँ मैंने मज़े में ना जंप किया, नीचे गिर गया, बेइज्जती हो गई यहाँ, मुझे जंप नहीं करना चाहिए था, जंप ना करता ना मेरे दोनों टीममेट नॉक है, एक ही उनका बंदा बचा है, अगर मैं जंप ना करता तो शायद मैं अपने दोनों टीममेट को बचा लेता, तो हमारे नंबर 2 फिनिश हो गए। जिन्होंने नंबर 2 बोला था उनका आंसर ठीक है, जिन्होंने नंबर 3 बोला था बेटर लक नेक्स्ट टाइम एनोनिमस की पब्लिक, हर बार ठीक नहीं होता। रिवाइव दे रहा था अपने भाई को, मैंने कहा हो जाए तो हो जाए रिवाइव, लेकिन मैं पहले रिवाइव दूंगा उसके बाद रश करूंगा। नीचे मुझे लगा रियल है, लेकिन ये बॉट भैया थे और मुझे लगा रियल भैया हैं, तो बॉट भैया को यहाँ पे मारा और फिर करेंगे रश। मैंने यहाँ पे नेट निकाला, थोड़ा सा कुक करूंगा, साउंड आ रहा था तो मैंने अंदाजे से नेट फेंका बिल्कुल कुक करके कि बिल्कुल मुंह पे जाके फटे, और बूम दोनों के दोनों मर गए बाबा जी। और फिर हम इनक्री करेंगे मजे से लूट। यहाँ पे ओम थी जो मेरी नंबर 3 भैया ने उठा ली थी, तो कोई बात नहीं भाई आप उठा लो, आप खुश हम खुश, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मैंने M4 वगैरह उठा ली, M4 वगैरह मिली थी यहाँ से, जो कि बहुत अच्छी बात है। M249 थी लेकिन मैं यूज़ नहीं करना चाहता था, Level 3 का हेलमेट वगैरह मिला और वो मैंने उठाया नहीं। M4 उठा लेंगे यहाँ पे स्कारल की जगह, और फ्रेश Level 2 का हेलमेट मिल गया। देखो उसने मार्क भी किया पर मेरे माइंड में नहीं आया अचानक से, मैंने गौर नहीं किया था, अभी एडिट कर रहा हूँ ना तो मैंने थोड़ा सा गौर किया कि Level 3 का हेलमेट मार्क किया था मेरे टीममेट ने। मज़े से बार बार क्रेट की लूट की कालिया ने, क्योंकि बाबा जी व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 टैप, इसका लूट का नो मजाक। फिर गाड़ी में बैठे यहाँ से निकले, सीधा ड्रॉप पे आए और गाड़ी में ऐसी गाड़ी, देखो ये भी ट्रिक है, अचानक से गाड़ी रोको और जल्दी से बूम बूम करके, आप ड्राइवर हो ना तो आप ऐसे एंगल से गाड़ी रोको कि आपको पहले Level 3 मिल जाए। तो मैंने यहाँ पे यही काम किया, एमो उठाने आया तो एमो थी नहीं। अब शॉट्स आए थे, अब देख सकते हो मैप में, अपने टीममेट को बिठाया और पीछे चला उन्हीं शॉट्स के, कहाँ से शॉट्स आए उनको जाके डाउन किया जाए। मुझे नींद आ रही है, थक चुका हूँ, भूख लग रही है, लेकिन वॉइस ओवर करके मैं जल्दी से ना नमाज़ पढ़ के कुछ खाऊंगा, मुझे बड़ी भूख लग रही है। तो वहाँ मैंने बंदे देखे गए, तो फिर मैं थोड़ा सा कवर लेने आया और फिर मैंने कहा काफ़ी दूर है, उन्होंने देखा मैं नहीं तो आगे बढ़ना चाहिए। तो बाबा जी M4 लेके आगे की तरफ हमने अपना चेस करना शुरू किया, यहाँ पे शॉट्स लिए, इस भाई को डाउन किया। और उसके बाद इनका एक नीचे टीममेट जा रहा है, जिसके बाद मेरे पास वो देखो आपने देखा होगा, उसके बाद उसके लिए मेरे पास एंगल नहीं था, मेरे टीममेट के पास एंगल था, तो पहले उसने ऑम मारी फिर उसने M4 से स्प्रे करके उसको डाउन किया। दो बंदे इनके डाउन है, एक ही बंदा बचा था, जम करके थोड़ा सा आ गया था तो मुझे नज़र आता था यहाँ पर, फिर मैंने उसको कर दिया डाउन।
बाबा जी जम करके मार देंगे, नेट करके पीछे कवर में भाग रहा था। ऐसे कैसे बाबा जी, ऐसे थोड़ी होता है। फिर लूट की, और यहाँ पे हमें एक अलग स्पॉट नजर आया, बंदे ढूंढ रहे थे हम लोग। मैं काफी कट कर रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो जाओ। और फिर इन दोनों को नॉक किया, इस बेचारे की तो हेल्थ भी कम थी, और शायद गाड़ी से डैमेज पड़ा था इसको, क्योंकि गाड़ी ने बिल्कुल टच की थी नंबर थ्री भाई ने। मुझे लगा गाड़ी से नॉक हो जाएगा, बट उसको डैमेज पड़ा हुआ, नॉक नहीं हुआ। अब गाइस दो ही बंदे बचे थे, एनर्जी ड्रिंक मारी और यहाँ पे हो जाता है फ्यूल ख़त्म। और आप सामने देख रहे हो शॉर्ट्स भी आ रहे थे, तो हमें पता था बंदे सामने। अब जो नंबर थ्री ने धुड़की लगाई कि वो किल उठाएगा, मैंने धुड़की लगाई वो किल उठाएगा। एक और बार देखते हैं आप लोगों का तुक्का ठीक होता है या नहीं होता है। एक जो है वो काली को किल मिलेगा या नहीं, या नंबर थ्री को मिलेगा। अब दोनों भाग रहे हैं, ठीक है, गाड़ी में बंदे। अब आप कमेंट करो नंबर थ्री को मिलेगा या काली को, कमेंट करके बताओ। स्प्रे किया गाड़ी पे, पूरा का पूरा स्प्रे मार दिया, देखो कितना लो किया, ठीक है। उसके बाद धुआं निकलने लग गया गाड़ी से। दूसरा स्प्रे कनेक्ट करूंगा यहाँ पे, देखना। ये मैंने सारी गाड़ी के बैंड बजाई, सारी गोलियां गाड़ी को मारी, और ये किल ले गया नंबर थ्री। ये बंदा बड़ा ख़राब है। अब बताओ आखिरी किल कौन लेके जाएगा, नंबर थ्री या मैं? दोबारा कमेंट करो, मैंने आपसे बड़े कमेंट करवाने। वहाँ से बंदा शॉट ले रहा था, मैंने देखा और ये लेटा हुआ था, मैंने यहाँ पे शॉट लिया और ये भी किल ले गया नंबर थ्री। नंबर थ्री अल्लाह करे भाई तेरी शादी और तेरी बेगम तुझे बड़ा मारा करे। MVP भी नंबर थ्री, नहीं मतलब क्या। तो कालिया फाइनली जो है ना वो अपनी नौकरी बचा चुका है और आगे मिशन लेके आएगा बहुत ही ख़तरनाक वाला। और जहाँ तक पबजी की बात है, आपको एक अपडेट देते चलूँ कि अनबैन तो हो चुकी है, ऑन होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो फ्राइडे को अनबैन हुई थी, अब सैटरडे और संडे दो दिन गवर्नमेंट की छुट्टी है, तो मे बी मंडे को ही ओपन होगी गेम। बाकी बाबा जी अपने प्यार ऐसे बरकरार रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे प्यार करते रहना, सपोर्ट करते रहना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दिल से लव यू एनोनिमस की पब्लिक। अल्लाह हाफिज़।